76। और भैया को भी फ़ोन किया जी, 20-25 पत्रकार जो है वहाँ पे मनिहारी ब्लॉक में, आप एक बार तपस्या चला होगा, सुने होंगे जी। मैं खंडवा का रहने वाला हूँ जी। जी मेरे को बाबा नहीं कहते हैं लोग, श्री दादाजी धूनी वाले हैं जी, हमको लोग कहते हैं महाराज, बचपन से साधु जी जी। और मेरे को फेंका हुआ है, पप्पू सिंह को जानते होंगे जो भरसर के थे, अभी के यहाँ की जो समस्या तो वहाँ पे तपस्या करके आए, तो ये आए थे हमारा वीडियो बनाने, ये पत्रकार साहब है लोग जी जी। ये पूजा तो पिछले एक दो दिनों से चल रही है, हम लोग डेली आते जाते, तो हम लोग किसी समुधाय या किसी धर्म का, जी हाँ धर्म का ही धर्म का। तो खंडवा से आए तो फोन किए, ये हमारे शिष्य हैं जी जी, मेरे शिष्य हैं, इनके पत्नी। अभी किन व्यक्तियों द्वारा आपका विरोध किया जा रहा है? इसलिए देवता जी के प्रधान जी पिला पिला के भेज रहे हैं। अच्छा, ये ग्राम प्रधान जी, हाँ साबुत है, और उनके द्वारा भेजे हुए व्यक्ति जो है आपको जो है बात हम बता रहे पूरे बता रहे हैं, फोन किए हमने, कहा अंगारा जी आपकी हम आप पूजा कराना चाहते हैं, धूना तपस्या दादाजी को बुलाना जी, ये हमको खंडवा बोले दादाजी आ जाइए आप जी, हम कराएंगे आपका, प्रधान जी से पूछ लेते हैं जी। तो प्रधान जी से पूछे जी, कहे वो बोले कि बुलाइए बाबा जी को जी। बुलाने के बाद में खड़ी तपस्या 5 दिन का चालू कर दिया जी, 5 दिन का खड़ी तपस्या और धूना तपस्या चालू कर दिया। आग के बीच में देखेंगे गोलछा, तो आप पगला जल सकते हैं, आग जल रहा है, वो आस्था की चीजें आप ही लोग कर सकते हैं, जिसका जो क्षेत्र है उसी में माहिर होता है। अब वो महाराज जी दूसरी तपस्या करने के बाद तो एक दिन तब दारू पी के वो नहीं आए, कहे बाबा थर हम पी कर हम आपके पास नहीं सक पाएंगे जी जी, आप ऐसा करिए महाराज जी कि आप यहाँ से चले जाइए जी। तो हमने कहा आप ही यहाँ से चले जाएंगे, दारू पी के नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा गाँव में, पूजा हो रहा है तो कह रहे हैं कि ना भगवत तो बता देंगे। कौन बोला ये सब? प्रधान जी, ग्राम प्रधान जी। तो हमने कहा कि आप यहाँ नहीं करेंगे, ग्राम प्रधान वो उनके सहयोगी नहीं, खाली प्रधान जी भी बोल रहे हैं जी जी। तो हमने कहा अगर आप नहीं करने देंगे तो क्या करेंगे, अब तो हम संकल्प उठा लिए हैं, जो संकल्प आप उठा, संकल्प तो आप उठा लेंगे, बना तो रहे हैं, संकल्प देखिए संकल्प उठा रहे हैं, मैं संकल्प उठा लेगा तो मर जाएगा संत, मगर संकल्प तोड़ेगा नहीं। आज मेरा तपस्या पूरा हुआ, हम लोग कल हम बात कर रहे थे डीजे वाले भैया से कि भैया डीजे मत लगाना, ये कुछ छोटा सा ताली पे लगाना, यहाँ से नहर तक हमको छोड़ देना, तो आज ये भी हो गया है, हो गया सब हो गया है जी। तो कुछ लोग यहाँ पे महाराज जी कहे थे कि बाबा ना दिखाईबा, लिंक से बांध के गाड़ी घींच, लिंक से बांध के गाड़ी घींचते हैं हम, नहीं दिखाएंगे तो हम लोगों का बेइज्जती हो जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है गुरु महाराज कृपा रहेगा तो घींच दिया जाएगा, तो हमने कहा ज्यादा होगा ऐसे करो 5 बजे सुबह हमको यहाँ से गायब कर देना, कोई जाने यहाँ तक हमको वहाँ तक नहर से गाड़ी लगाना, हमारे दो चार भगत जाएंगे वहाँ नहर पे गाड़ी बैठाएंगे हम चले जाएंगे, वही बात कर रहे तब तक वो आके कह रहा है कि कहा है कि बाबा अगर कल नहीं जाएंगे तो समझ लीजिएगा चलता है। प्रधान जी उनके सहयोगी, प्रधान जी ने बोले अब सहयोगी बोले, हम लोग मौजूद थे, अब सहयोगी बोला है, सहयोगी बोला जी। और ये बोले तो एक बार पिला के प्रधान जी थे, एक आदमी था जो पिला ठंडा ही प्रधान जी तो महाराज जो भेज रहे हैं जी, वो के बता रहे होंगे। और एक ही आदमी नहीं है, हमारे पास 7 भगत हो गए जो दारू छोड़ दिए हैं, वो पी के आए। आपको इस समय जो है आपकी पूजा को बाधित करने वाले अन्य व्यक्तियों की कितनी संख्या थी वो हम जानना चाहते हैं। 4 लोग हैं महाराज, 4 लोग जी, 4 लोग हैं महाराज जी, प्रधान जी को लेकर 5 प्रधान सर के पास। ठीक सर, हम देख रहे हैं प्रधान सर को, उनको भी बुला के फिर बात करेंगे क्या करें। मेरे दिक्कत यही दोनों से सामने आएगा तभी ने कुछ सुना जाएगा सर जी, हां दोनों हाथ से ताली बजता है सर। महाराज जी कल ही बार इनका सर पूजा का कार्यक्रम है, हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए महाराज जी, कोई दिक्कत से बताइए, हम लोग बैठ गए सारी रात, आपको सोचना देना, जो भी जरूरत होगी तो प्रशासन को यही बुला के बताएंगे। कोई आस्था का विषय है, हम लोग तो परेशान हो गए, पूजा पाठ या अभिव्यक्ति विचार पे हमें जो आजादी दी गई है, हम आप सर एक बार जरा वहाँ देख लीजिए, माताएं बहनें किस तरह से वहाँ पूजा पाठ करें, थोड़ा उस दृश्य को देख लीजिए आप, इतने माताएं बहनों के बीच में इस तरह हो रही है। रोड में कोई झंझट नहीं, आराम से शांति पूर्वक से हो रहा है, क्या विवाद हो गया गुरु जी से आप लोगों के सामने, मतलब जो भी यहाँ उपस्थित थे जिन व्यक्तियों ने इनके साथ बदतमीजी की है या भद्रता की है, उनका आप लोग नाम वगैरह जानती हैं, उनको पहचानती हैं? क्या नाम है उनका?
उसका नाम बताइए तो तभी ना कुछ आगे जाके, क्योंकि आप लोग मौजूद थे मौके पे, जो आप लोग कहेंगे उसी व्यक्ति को हम उस तरह से उससे आपको दिक्कत है। गुच्ची नाम था जी, गुच्ची नाम भैया, भैया इधर आइए जरा वीडियो बनाइए। अगर सब लोग जाने तो सब लोग बताइए, जिनका है ना सब जानती है, बताएं डर क्यों रही हैं आप लोग? आप लोग जानती हैं और लोग का नाम है? देखिए भी बच्चियों का नाम लिखिए, बताइए माता जी आप क्या नाम है, बहनी बताओ किसका उसका? हाँ, जो यहाँ महाराज जी की पूजा में बाधित कर रहा था, क्या नाम है उसका? गुच्ची नाम था, गुच्ची बिंद। गुच्ची बिंद, और कौन? बस वही थे गए। अकेले? अकेले बाबा के पास पहुँचे थे। और कोई साथ ही तो रहा होगा? अगर वहाँ पे चौकी पर सब बैठे थे तो दो तीन लोग अन्य व्यक्ति और साथ में थे। और कोई जानता है, किसी पहचानता है? वो आँख वाला ऐसे ऐसे तक, जो आँख वाला वो कौन था, वो पास चलाता वो कौन है, हमको नहीं पता है ना। इसी तरह जब तक आप लोग माता जी डरती रहेंगी तब तक ऐसे ही लोग परेशान करते रहेंगे। आज ये पूजा हुआ, कल बड़ा पूजा होगा, और आप लोग को डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई हड़काता है, कोई डराता है, तो यहाँ आप लोग भैया से भी संपर्क कर सकते हैं, अंगारा भैया से, ये हम लोग को बता सकते हैं। हम लोग 112 को भी आप लोग बता सकते हैं। अगर पूजा कोई 112 पे कॉल कर सकती है, 1090 पे कर सकती है, 1076 पे कर सकती है, एनी टाइम 24 घंटे। आपको जब भी असहज महसूस लगे, देखिए ये तो पूजा आस्था की बात अलग होगी, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कोई दिक्कत आती है, घर पे रह के कोई चोरी या इस तरीके की व्यवहार या कहीं आपको शक लग रहा हो, कोई वो आप तुरंत हमें 112 पे कॉल करके हमें सूचना दे देंगे। हम 10 मिनट या 5 मिनट जैसे समय हम आपको पहुँचने की और आपको उस समस्या से दूर करने की पूरी हम कोशिश करेंगे। ये मत डरिएगा कि हम नाम बता दिए तो मतलब वो तोप ओप है, ऐसा नहीं है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप किसी का नाम बता रही हैं तो वो आपको जो है बाद में डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, उसके लिए हम लोग हैं। दिन रात आपकी सेवा में 112 कार्य कर रही है और तमाम संस्थाएं आपके साथ कार्य जुड़ी है, किसी भी क्षेत्र से लेकर, ठीक है? अच्छा ठीक, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। तो मैं धन्यवाद दूंगा एसपी साहब को, कप्तान साहब को, जो आपने इस मामले को संज्ञान में लिया, और 112 टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने तुरंत इस पे एक्शन लिया और आस्था को ठेस पहुंचने से रोक दिया। लगातार तो ठेस पहुंच रहा है, बस वही वही ऊपर। हां वही है सर, आपको इसलिए दिया गया उससे अपनी सुरक्षा करेंगे। आप उसके पहले बताए होते तो उनकी हिम्मत नहीं थी यहाँ किसी को, हम लोग 4 दिन से आ रहे हैं, एक दिन तो हमसे कहना चाहिए सर मुझे इस चीज की जरूरत है। मुझे 10 बजे तक पहलामपुर रहना है, मैं यही बैठ जाता। अगर मेरे रहते हुए कोई और इस तरीके की बात हुई थी वो दूसरी बातें थी। फिर से कोई बात नहीं, हमारे दरवाजे बहुत हो गया। अरे बिल्कुल, हम 24 घंटा रहेंगे महाराज जी पूजा पाठ में। हमारे जो सर हैं आज से एक्टिव नहीं, लाइट बदल दिया हम रहेंगे आपके साथ। ये थोड़ा आगे से जब याद करेंगे तब मैं रहूंगा सर, आराम से पूजा पाठ कीजिए, जब याद करेंगे एकदम 24 घंटे। आप महाराज जी आप कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी पूजा पाठ में, और जो हमारे सर हैं और हमारे क्षेत्र से आए हैं साहब का काफी सहयोग रहता है पूजा पाठ में, आज से नहीं हम तो एकदम पूजा पाठ आते हैं। हमारा नंबर ले लीजिए, नंबर वही रहना, कोई दिक्कत होती है सीधे हमको फोन करेंगे, 10 मिनट लगेगा। आज जो लोग यहाँ हंगामा दारू फाड़ू पी कर रहे हैं अभी फिलहाल में उनको हम ठीक कर देंगे। दो आदमी है, एक गुच्ची है, आप नहीं हम बता रहे गुच्ची है जो तीन तीन बार हमको पोस्ट में धमकी दे गया। आप संकोच मत होइए, पूजा पाठ अपना कीजिए प्रेम पूर्वक, ये पूजा पाठ है, ये कोई रोक नहीं है। और जो लोग दारू फाड़ू से कोई बात कर रहे हैं उनके लिए हम काफी हैं, ठीक है? सही है ना जी? आप लोग निश्चिंत होकर पूजा पाठ कीजिए, हम नंबर इनके हमारे पास है, इनका नंबर मेरे पास है, एक आलो नंबर और नोट कर लीजिए हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या, आपका जमानी सत्य है महाराज, ठीक है ना गुरुवर?
चलिए आप बैठिए, बैठिए बैठिए, थोड़ा सा ये प्रसाद ग्रहण, हाँ प्रसाद ले और लगातार नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे, प्रसाद अभी हमको एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ जा रहा है, कहाँ एक्सीडेंट हो गया है सर? एक लड़का खजा रहा था भैया, आप लोग प्रसाद नहीं खा रहे, मैं भूल गया, आप लोग ले 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 बातचीत हुई ना सर, इधर भैया सर से हमारा काफी दिनों से लगा है, आज से नहीं, जो भी हम कार्य कराते हैं सर से तो अच्छे कार्य में, कितना खुशी बन जाते हैं, यही बगल में मेरा ससुराल है, काम कराइए, हाँ सर एक मिनट, एक मिनट थोड़ा कंफर्म भी कर लो, कितना अच्छा किस्मत है कि सहयोग है, कड़ी जुड़ती जाती है, लोग मिलते रहते हैं, शांति से होते हुए कितना आनंद मिल रहा है, यह काम पर जाओ, जाएगा।